हेलो डियर पेरेंट्स, तो आप देख रहे हो मेरा चैनल बेबी ब्रांड, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बच्चों के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अपने रिव्यूज। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस किड्स 3-in-1 वॉश का। और ये भी शेयर करूंगी कि किन लोगों को ये 3-in-1 वॉश परचेज करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये है मेरे पास वाओ स्किन साइंस किड 3-in-1 वॉश, जो आपके बच्चों के लिए शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश का करेगा काम। तो यहाँ पे एज मेंशन है 3+, यानी कि अगर आपके बच्चे की एज 3+ हो गया तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। काफी डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए डिफरेंट वेरिएंट है, बॉयज के लिए डिफरेंट वेरिएंट है। जो मैंने परचेज किया है वो वेरिएंट है गोल्डन वॉरियर वंडर वुमन एडिशन। इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट का यूज किया है, तो काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है इस प्रोडक्ट की, जूसी सी फ्रेग्रेंस आती है जब हम इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो 300 ml की इसकी क्वांटिटी है, इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल में, पंप की फॉर्म में। 449 rupees है इस प्रोडक्ट का प्राइस। परचेज करने का रीजन क्या है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो कलर्स, पीएच बैलेंस मेंटेन, यानी कि टोटली सेफ है हमारे बच्चों के लिए, आप सेफली इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और मेजर बेनिफिट ये है कि नो टीयर्स, नो रफनेस, नो टेंगल्स, यानी कि हेयर डेफिनेटली स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल भी रफ नहीं होते अगर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि आपके बच्चों के लिए एज ए शैम्पू एज ए कंडीशनर करेगा ये प्रोडक्ट वर्क। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर अच्छे से लेदर क्रिएट करता है और हेयर को, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन भी कर देता है। तो ये है ओवरऑल इस प्रोडक्ट का रिजल्ट। सो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के ओवरऑल रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसे ये क्लेम करते हैं कि जो ये 3-in-1 प्रोडक्ट है आपके बच्चे के लिए शैम्पू का भी काम करेगा, कंडीशनर का भी काम करेगा और बॉडी वॉश का भी करेगा काम। बट सबसे पहले अगर हम शैम्पू के रिगार्डिंग बात करें तो डेफिनेटली ये एक शैम्पू का काम करता है। अगर आपके बच्चे के हेयर काफी ज्यादा ड्राई है, काफी ज्यादा फ्रिजी है, अच्छा ऑप्शन है, आप एज ए शैम्पू इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया, एज ए शैम्पू टोटली सेफ है आपके बच्चों के लिए। बट अगर आपका बच्चा डेली ऑयल अप्लाई करता है या अगर आप डीप ऑयलिंग करते हो अपने बच्चे की, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि एज ए शैम्पू इस प्रोडक्ट का यूज करें, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। उसका रीजन ये है कि जब हम डीप ऑयलिंग करने के बाद या ऑयल अप्लाई करने के बाद बच्चों के लिए एज ए शैम्पू इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ये 100% वर्क नहीं करता, यानी कि 100% आपके बच्चे के हेयर को ये क्लीन नहीं करेगा, 100% जो उनके हेयर पे ऑयल होता है उसको ये रिमूव नहीं करेगा। तो उन कंडीशन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि एज ए शैम्पू आप इसका यूज करें। तो अगर आपकी गर्ल है उसके हेयर लंबे हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि आफ्टर 3+ आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, बट मैं गर्ल्स के लिए रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि जिन गर्ल्स के हेयर लॉन्ग होते हैं उनके लिए एज ए शैम्पू अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपका बॉय है तो बॉयज के लिए अच्छा ऑप्शन है एज ए शैम्पू इसका यूज करना, उनके हेयर को, स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। बट मैं गर्ल्स के लिए जिनके हेयर काफी लॉन्ग है उनको एज ए शैम्पू रिकमेंड नहीं करती। तो जस्ट आपने इस बात का ही ध्यान रखना है कि अगर हेयर काफी ड्राई है, फ्रिजी है, तो अच्छा ऑप्शन है एज ए शैम्पू एज ए कंडीशनर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। जो हेयर होते हैं बाद में बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, यानी कि आपको सेपरेट कंडीशनर परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे के हेयर काफी ड्राई फ्रिजी है, देन उन कंडीशन में एज ए शैम्पू एज ए कंडीशनर आप ये एक प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। बट अगर आपका बच्चा डेली ऑयल अप्लाई करता है डीप ऑयलिंग के बाद, इस प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। सो नेक्स्ट, अगर एज ए बॉडी वॉश रिगार्डिंग बात करें तो अच्छा ऑप्शन है एज ए बॉडी वॉश आप अपने बच्चों के लिए इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। बट आपने हमेशा जब भी इस प्रोडक्ट का यूज करना है कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करना। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई स्पॉन्ज ले लें, कोई लूफ ले लें, सॉफ्ट से स्पॉन्ज या लूफ के ऊपर आप इसकी कुछ क्वांटिटी ले लें, देन आप इसकी हेल्प के साथ अपने बच्चों की बॉडी को कर सकते हो क्लीन। तो ओवरऑल गाइस अच्छा ऑप्शन है एज ए बॉडी वॉश यूज करना, इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली कर सकते हो परचेज। सो लास्ट में अगर परचेज करने के रिगार्डिंग बात करें कि आपको ये परचेज करना चाहिए अपने बच्चों के लिए या नहीं परचेज करना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपके बेटे की एज 3+ है तो अच्छा ऑप्शन है एज ए शैम्पू एज ए कंडीशनर एज ए बॉडी वॉश इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो भी अच्छा ऑप्शन है, आपको 3 different प्रोडक्ट साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेपरेट शैम्पू कंडीशनर या बॉडी वॉश साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस एक ही प्रोडक्ट को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो आपको ये मेजर बेनिफिट होगा कि आप इस प्रोडक्ट की हेल्प के साथ हेयर
को भी वॉश कर सकते हो और बॉडी को भी कर सकते हो वॉश। बट अगर आपकी गर्ल की एज 3+ है और उसके हेयर काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा लॉन्ग है, काफी ज्यादा हैवी है, तो उन गर्ल्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है यूज, और ये अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। और इसका मेजर डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि जब हम ऑयलिंग करते हैं अपने बच्चों की, उसके बाद जो ऑयल होता है 100% रिमूव नहीं होता। तो आपने डेफिनेटली इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करने की सोच रहे हो। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।